ये स्टूडेंट, मैंने आपको आज यही बताना था इससे कि सुपर ऑक्साइड से कैसे के कैसे डैमेज होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो सुपर ऑक्साइड में जो सबसे एक जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंट है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है ये पावर हाउस है, ATP डीजनरेशन होती है या ऑक्सीजनेशन होती है। तो यहाँ से पास दफ़ा जब ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, यानी जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सेल इंजरी हो रही होती है, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो ख़राब हो जाता है उसका रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड हो जाता है। और फिर हम ये भी चेक करेंगे कि कैसे हमारे पेरोक्साइन जो हमारे सेल के अंदर होते हैं वो सुपर ऑक्साइड को सही करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है। आप ये चेक करें, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो कि आपने FSC में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसके रिजल्ट में एक सुपर ऑक्साइड बना है, ठीक है। ये देखें, अगर ये नॉर्मली नहीं बनता, लेकिन अगर सेल डैमेज हो जाए तो ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। जिसे H2O2, नॉर्मली H2O होता है, लेकिन ये H2O2 बना। अब ये H2O2 क्योंकि बॉडी इसे डिटेक्ट करती है कि एक सुपर ऑक्साइड बन रहा है, अब ये ज़्यादा सेल को इंजरी करेगा, तो सेल के अंदर एंजाइम होते हैं कैटलेज, जो पेरोक्सोम होते हैं। पेरोक्सोम हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। ये हर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। वो इस पे रिएक्ट करते हैं और O2 और H2 और फाइनली वाटर बना लेते हैं, और हमारी जान छूट जाती है इस सुपर ऑक्साइड से, ठीक है। समझ आ गए? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ये देखें ये सुपर ऑक्साइड किस फॉर्म में होते हैं। H2O2 एक ये सुपर ऑक्साइड है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि इलेक्ट्रॉन चेन जो उनसे माइटोकॉन्ड्रिया के नतीजे में होती है। एक सुपर ऑक्साइड N₂ होता है, O-2 होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए पैदा होता है। एक हाइड्रोक्सल रेडिकल होता है, जो कि H2O से बनता है। एक परॉक्सी नाइट्रेट होता है, ठीक है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो उनसे रिएक्शन से बनता है। हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के ज़रिए होता है। एक लिपिड परॉक्साइड रेडिकल्स होता है, जो कि लिपिड परऑक्सीडेशन से बनता है। लिपिड परऑक्सीडेशन होती है, जो हमारी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपको पता है लिपिड से मिलकर बनती है, जब उसकी परऑक्सीडेशन हो तो फिर बनेगी। और इसके अलावा जौन से है हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl होता है, जो कि माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ब्रस्ट एकंपनी द फैगोसाइटोसिस। मीन कि ड्यूरिंग द फैगोसाइटोसिस फर्स्ट किया कोई भी, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, जैसे कोरोना वायरस आता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारे मेन माइक्रोफेजेस जो उनसे होते हैं इसके खिलाफ डिफेंस करते हैं, उसे एनगुल्फ करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब वो फेगोसाइटोसिस करते हैं तो उसके नतीजे में ये हाइपोक्लोरिक एसिड बन सकता है, जो कि आगे सेल डैमेज करता है, ठीक है। आई होप यू गेट अंडर